सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो सोरठ महला तीजा कर पहला ती तुकी इक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाखश मार बचाया गुरमुखानों प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी ए तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरणाई रहा भगतानों जम जो ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुभाई मनमुखानों प्रतीत न आवी अंतर लोभ सुआओ गुरमुख हृदय शब्द न भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फिका लाओ भगतां विच आप वर्तदा प्रभ प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हों मैं मार मनसा मन समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुरप्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारन हारा उना की रीस करे सो विगुचै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौंक मोए बिललाई आवै जावै ठौर ना पावै दुख में दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तैं वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज छूटें गुर शरणाई जिन हर मन वसिया से दरसाचे सचियारा उना दी सोभा जुग जुग हुई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राखिया उर थारा जिन हर मन वसिया से दरसाचे सचियारा उना दी सोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राखिया उर धारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश सवेर समय की हाजरी असी भर रहे आसा की वार का कीर्तन होया उपरंत अज दे गुरवाकां दी व्याख्या गोचरे पावन गुरु शब्द का पाठ आप जी ने सरवण किया है। अज का यह बचन राग सोरठ विचों आ रहा है समुचा सिरनामा है सोरठ महला तीजा
कर पहला तीतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरठ राग विच गुरु अमरदास पातशाह नानक जोत का तीसरा जामा इस बचन नूं उचरित कर रहा है। कर पहला गायन करन वास्ते दो कंडीशन का फुलफिल होना बड़ा जरूरी है। एक तो जिन्हों सुर कहने मेलोडियस नोट्स जोड़े होंगे ने, दूसरा थाप जिसनों रिदम कहा जाता है। सो जिथे सुर गोचरे सुरठ की गल हो रही है उत्थे थाप गोचरे रिदम लई पहले कर नूं प्रयोग विच रखना है। तीतुकी दो तरह के असी शब्द बाणी के शब्दों के सिरनामे पढ़ते हाँ। एक पदे जिमें दो पदे ती पदे चौ पदे पंच पदे तो एक तुकी ये हुंदा पदे दसते अगला शब्द किन्ने पैरियां च वंडिया आया हाउ मैनी स्टंजास दिस पर्टिकुलर शब्द इज कैरिंग इतों बाद बनती जिहड़े तुके ने एक पदे दे विच किन्नियां तुकां ने किन्नियां लाइनस कैरी कर रहे ईच जिहड़ा स्टंजा है ये ती तुकी हर एक स्टंजा तीन पंक्तियां दा अष्टपद्यां दा वाक है। ये जे असीं तीन नाल बात पाउने आ रहाओ दे पदे तो बिना चौबी सत्रह बनदियां लमेरा शब्द है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप अकाल पुरख वाहगुरु एक है ते ओंकार है अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है जिस दी सिद्धि प्राप्ति मीन कॉन्शियस लैवल ते जिन्हों असीं एक्सपीरियंस कर सकते हाँ गुरप्रसाद गुरु की कृपा दे नाल। वाक प्रारंभ करिए रहाओ दे पदे तो गुरदेव जिक्र करते गुरु अमरदास महाराज बयाने है हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरणाई रहाओ हर जी एह तेरी वडियाई। अक्सर बात हुंदी जिहड़े लोग थोड़ा ज़्यादा रैशनलिस्ट वे नाल तार्किक तरीके नाल सोचते वो कहिंदे कि जिहड़े बिलीवरस ने मतलब जिहड़े आस्था रखते रब की कई बार उन्हां दीआं बड़ियां अटपटियां गल्लां हुंदियां ने। एक पासे कहिंदे ने रब सारिआं दा पिता आ सब नूं पालन वाला आ दूजे पासे कहिंदे नहीं नहीं रब एक खास श्रेणी नूं प्यार करदा आ जिन्हां नूं भगत कहा जांदा आ। सो बी कंसिस्टेंट आइदर आ सच है अदरवाइज ये सच है इस तरीके दीआं गल्लां तार्किक बिरती च अक्सर होंदियां। इहदे च बाणी बड़ी क्लीयर आ बाणी कह रही है तो सच कि एक पिता एक सके हंबार एको ही साडा तू सांझा साहिब बाप हमारा सब का सांझा बाप उ है पर उदे अंदर भी घर के चार औलादा ने चार का स्नेह माँ बाप नाल वखरा होएगा चार का माँ बाप एक है संसारी तौर पर जे असी रिश्ते की तरबीयत की बात करिए तो पर है किसी के नाल बहुत नेड़ता है किसी नाल बड़ी सांझ है। भगत वो है जिसने एक आलमी किस्म की सांझ उस रब्बी नूर नाल पा ली है। इहदे च बयान आया हर जी ये तेरी वडियाई ये तेरी खासियत है खासियत यह है जे कोई तेनों चाह लवे मतलब है तो उहदा ही रूप सारा पर उस रूप दे विच लेयर्स ने एक है जिहड़ी आ सरगुण लेयर सानूं दिसदी है जिदे मगर असीं ज़्यादा भजदे हाँ जिदे च रूप है रस है गंध है सुगंध है सो रस है इहदे मगर असीं भज रहे हाँ। एक है इस रूप के पिछे अरूप इस रस के पिछे महारस भगत वो आ जिहड़ा इस रस नूं छड्ड के अगले रस ते पहुँचता है। इहदे लई एक डिसिप्लिनरी मैजर्स की गल भी आउंदी है क्योंकि भगतां की पैज रख तू स्वामी भगतां की पैज तू स्वामी अकाल पुरख ही रखदा है। जे भगत लफ्ज़ नूं अपने आप च देखिए ना इहदी दानिशमंद लोगों ने व्याख्या की वह कहिंदे भगत एक्चुअल लैवल ते तीन समासां दी समेल नाल बनता है पब्बा गग्गा ते तत्ता भगत कहिंदे पब्बे तो मतलब हुंदा भजन ये पहली प्राइमरी कंडीशन है भजन करना मतलब जिवें बच्चा क्लास गया तो क्लास के विच उसनूं जा के जस्ट कुछ जिहड़े हैगे ने उसनों साउंडस पढ़ाए जाते हैं उसनों जस्ट लैटर्स की इंट्रोडक्शन दी जाती है तो उन्होंने रैपीटेशन कर दे लगातार अजे उन्होंने नहीं पता ये लैटर्स किस यूज आने किस तरीके इन्हों का इस्तेमाल होएगा
बट वो उसनू लगातार रेपिटिशन दे विच उस रूप में जोड़ता। भजन ये पहली स्टेज है, ये शुरुआत है भगती की। बंदे नू भजन करना, नितनेम करना, बाणी पढ़नी, बंदगी करनी, मैडिटेशन करना, ऑल दीज थिंग्स भगत इतों शुरू होंगे। पर यह है हर चीज़ का कोई परपज़ आ। जो बंदा भजन करता तो भजन का परपज़ की हो सकता है? उस तो बाद वाला जो अखर बनता है वह बनता गगा ज्ञान। ये भजन अजा ही नहीं गा, ये भजन च ज्ञान है। तो ज्ञान भी वह नहीं कि जोड़ा संसार की बाहरली केवल बहरूनी दुनिया का है, ये ज्ञान अपने आपे का है, अपने अंदर का है। नो डाउट ब्रह्मंड का भी है पर पिंड का शुरुआत इतों हो रही। इस करके जपजी साहब पढ़ो, बाबा जी पहली पौड़ी तो शुरू कर दे, बंदे तू हुक्म रजाई चलना ये तेरे वास्ते संदेश है। ठीक है महाराज, जो तुसी 33 नंबर पौड़ी ते आ जाते पहला सारा मैसेज कंप्लीट हो जाता। जो बाबा जी बयान कर दे, देख तू रजा विच राजी रहे या ना रहे, उदना बहुता फर्क पैना नहीं गा, क्योंकि रजा वाले दी ही उदी ही मर्जी चलनी है, तेरी कोई अपनी मर्जी नहीं चलनी। इतने फिर पंक्ति पौड़ी शुरू होंगी है, जोर ना जीवन मरन है, जोर जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटा संसार, जिस हथ जोर कर वेख्या सो। जिदे हथ जोर वो कर करके वेख रहा, इतों तक ऑलमोस्ट जोड़ा है मैसेज कंप्लीट हो जाता है। इस तो बाद फिर बाबा जी जिते जितना मैसेज दिता गया ना पौड़िया के कंक्लूड करते हैं पांच पौड़िया के अंदर। उदे अंदर फिर पांच खंड आते हैं। पहला खंड, पहली अवस्था, भगत को यह समझ आता है राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये मौसम एवें नहीं बदलते, ये दिन रात एवें नहीं बदलते, ये सारा कुछ एवें नहीं चल रहा, यदा कोई परपज़ आ। ये धरती एवें नहीं साजी गई, धर्मसाल है, धर्म कमाना है। इतने इतने श्रद्धा तो आस्था का रंग है, इतने भजन शुरू होता है। पर बंदा भजन अंतम टिकाणा नहीं गा, इस तो अगला पड़ा आया वो की है ज्ञान खंड। इतने फिर ज्ञान आता, ज्ञान समझ आती, समझ डिवेलप होती। अदरवाइज बंदे नूं बहुत कुछ पता पर अपने आप का नहीं पता। अज की दुनिया के लिटरेचर के अकॉर्डिंगली देखिए तो जिवें सपोज करो मैं अपने जीवन स्पैन दे विच 50 बंदियां नूं मिलिया, 50 नाल लड़ पिया, मैं सोच ये बना ली कि ना ये सारे बंदे माड़े से, 50 दे 50 किसी नाल भी नहीं बनी है ना इस तरीके दे नाल, ये सारे माड़े सारे भैड़े, मैनूं कोई चंगा बंदा मिले ही नहीं गा। वो कहिंदे एक पल ही अपने आप ही सोच के दे, कितें तेरे च ते कमी नहीं कोई, शीशे झात मार के देखना, इस तरह थोड़ा हो सकता कि सारे बंदे माड़े। मैं सारिआं नाल गुस्से होकर बैठा, इहदा मतलब ये थोड़ा है कि सारे सारिआं च गुस्से की प्रॉब्लम है, कहते मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, अपने आप में देख। ये अपने आपे का ज्ञान, रूट्स देखने अपनिया वीकनेस से, अपनिया कमजोरिया से, फिर कला ये नहीं अपन खूबिया भी देखनिया। भगत की चाल जी है ना, बाबा जी कहते संसारियों नालों थोड़ी जी निराली होंगी है। असं बचन पढ़ते हैं भगत की चाल निराली, क्यों? बिखम मार्ग चलना औखा मार्ग है। इतने जाके फिर नैक्सट स्टेज शुरू होंगी है, ज्ञान आ गया तो ज्ञान तो बाद फिर त्याग तत्ता, उन्हें त्यागना है, क्योंकि बिना त्यागे बात नहीं बनेगी। कई बार बड़िया बलास्ट दिया गल्लां में देखते हैं, मेरे साढ़े रिलेटिव ने तो बहुत बीबी जी बड़े स्लिम ने, कि पार्क के गेड़ा दे रहे से तो बेचारिया माइया भी सगिया, थोड़ा ओबीसिटी तो परेशान सगिया, वह भी उत्थे कुछ वॉक कर रही। तो देखिया भी ये तो बड़ी बिल्कुल लिम सलिम लेडी है ना, दौड़ी फिर दी है। तो वो आज मार के उन्होंने कहीं आपस आपस ही शायद गल्ला कर रही हैं, गल्ला कर दी कहीं कहीं लै आई नू कुड़ी नू पूछ दिया वा भी ये की खांदी है, भी ये इन्नी पतली इन्नी लिम सलिम आ ते असी इन इस रूप दे विच। तो वो बड़े हाजिर जवाब है वैसे, वो नेड़ दी जो लंघ दी कहिंदी माई खा के नहीं पतले होईदा, छड़ के पतले होईदा। हुण फिर गल्ला खाण दीआं कर रहीआं तुसीं, छड़न की गल करो, ये छड़ना पएगा। संसार दे विच हर चीज़ की पकड़ नहीं चाहिए, त्याग भी चाहिए। बंदा कहिंदा बस पकड़ ही होए, भगत तो जिहड़ा त्याग कर दिंदा। इत्थे बचन आया महाराज बयान करते कि
भगतां की चाल निराली बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना ये भगत की चाल है। उसने लभ वैसे लभ तो लोभ ये इंटरचेंजेबल वे बाणी दे विच एक दूजे के सिनोनिम के रूप में भी यूज किए गए हैं पर जिवें इत्थे लभ लोभ आया है तो इहदी व्याख्या फिर शब्द कोशां ने इस तरह की है कि लभ हुंदा है खाण दा लालच। वड्डा जीवन का हिस्सा ऐसा है जिहड़ा बहुत सारे अध्यात्मी जीवन तो सिर्फ खाण की लालच करके नहीं उस पासे जा पा रहा कितें प्याली नहीं छड्डी जा रही कितें हो मतलब छोटिया छोटिया स्वरूप दे चीज़ साहब कहिंदे भगत तो जिन्हें लभ जिन्हें अपनी सिर्फ तो सिर्फ जीव के स्वाद त्याग दिते अल्प आहार सुलभ से निद्रा इतों बात शुरू होंगी लभ लोभ ग्रीड बेतहाशा लालच आ भी मेरे को आ भी मेरे को आ भी मेरे को बस इस रूप के अंदर भगत तो जिहड़ा त्याग करता लभ लोभ अहंकार बड़ा औखा है। महाराज ने बयान किया भाई बयान कर दे कि मान मनोवर जिहड़ा आ किसी चीज़ का भी ईवन मान मुनि मुनि वर गले मान सभे को खाए अहंकार वड्डे वड्डे मुनीश्वर जिहड़े सीगे जिन्होंने कहा सी त्यागी हो गए अहंकारी उदे ही अहंकार हो गया भगत तो जी ने इहदा भी त्याग इहदा भी बिल्कुल इसनों जिहड़ा है लामे कर दिता। सो ये टर्मिनोलॉजी के रूप में बयान की गई हरी की वड्याई यह है जिहड़ा इस राह ते तुरेगा इन्हां खूबियां नूं धारण करेगा उहदी ओह वड्याई स्थापित करेगा उहदी वड्याई को रोक नहीं सकता। क्या हर जी ये तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरण आई भगतां की पैज तू रखदा है तो भगत तो जिहड़े तेरी शरण आ गए जिन्हां नूं सीधे तौर पर तेरा ओट आसरा हो गया रहाओ दा बंदिया। हुण बाबा जी ने इस कुछ एग्जाम्पल्स कीतियां ने जिवें शब्द आ रहा भगतां की सदा तू रखदा हर जी ओह धुर तू रखदा आया धुर तू रखदा आया। मनुखी सिविलाइजेशन का जिन्ना क असी इतिहास कुरेदते हाँ जिमें खास करके साउथ एशियन खिते दे विच बड़ियां पुरानियां ट्रडिशनस की गल की जाती है युगां दे वक्रे वक्रे तरीके नाल व्याख्यान मिलते हैं सत युग त्रेता द्वापर कलयुग इस किस्म के नाल ते जे बहुत एनशियंट तो एनशियंट टाइम तक भी चले जाइए बहुत पुराने तो पुराने समय के भी तो सानू एहोजियां दंत कथावां ये सब मिल जांदियां जिहदा बाणी च वार वार जिक्र आउंदा है। महाराज कहते धुर तो बिल्कुल मुढ़ कदीमा तो सुभा है जो अकाल पुरख वाहगुरु के ओट आसरे होके गुणात्मक पक्ष तो एक पासे वध आया रब उहदी लज पालदा है। एक्चुअल लैवल से सानू विश्वास दवाया जाता कि बंदे तू ना रब्बी आशे दे उत्ते विश्वास रख वो बड़ा बेअंती वो बड़े ढंग ने बड़े तरीके ने वक्ती तौर पर लगता सानू सच मर गया सच नूं थाए ला दिता गया ऐसा नहीं हुंदा सच हर मदाने फते है। इसे करके बाबा जी ने कहा कूड़ निखुटस नानका औड़क सच रही औड़क नूं सच ही सच है वो हाँ थोड़े बहुते समय लिया हो जा हुंदा कि मस्या की काली रात आउंदी ते लगता ओ बड़ी गहरी काली रात आ गई पर मस्या की रात एक दिन पुन्या की रात च कन्वर्ट हो जाती। इत्थे साहब ने कहा भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाकश मार बचाया दोनों नाम प्रहलाद ते हरनाकश बड़े सिंबोलिक रूप दे विच ने अजे हुणे क्योंकि शब्द हर जी ये तेरी वड्याई सारी बाणी विच रब दी वड्याई कीती गई है आसा की वार समाप्त हुई गाया गया लिटरली तौर पर वड़े किया वड्याईया किच कहना कहन ना जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए उन्हां वड्याईया तो पहला दस्या गया उहदे सुभा बाबत हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। इसनू बहुत सिंपल व्याख्या च दानिया ने अक्सर बयान किया कि प्रहलाद जन तुद राख ले इस तरह जाणो कि माँ बाप बच्चे दे सेवियर हुंदे ने रक्षक हुंदे ने उही पालदे ने ते ठीक है जी पर यह भी मन्या गया जिथे माँ बाप बच्चे नू मारन ते उतादुर हो जाण फिर कौन बचाएगा कोई नहीं बचा सकता कहिंदे ने फिर तो पॉसीबल ही नहीं हैगा जिथे माँ बाप बच्चे नू मारन वास्ते तुल जाण उत्थे कौन बचाएगा। चलो असी इन्हां वैसटर्न वर्ल्ड च रहिंदे आ इत्थे क्या जाएगा नो 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 यू नो स्टिल इफ यूवन पेरेंट्स वांट टू हार्म समवन एज ए किड दैन अथॉरिटीज़ कैन इंटरवीन
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੰਤ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨੇ, ਝੋਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਡੂਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਪਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਫਿਰ ਭਗਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੱਜ ਪਾਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਨੋ ਭਾਓ, ਨਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਨੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੌ ਗੇੜਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰੀ ਆ ਜਾ, ਦਸ ਰੀ ਆ ਜਾ, ਸੌ ਰੀ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਭਗਤ ਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਲ ਵਰੇ ਸਮਾਨਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡੀ ਸਟੱਫ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਿਡ ਕੋਈ ਸਟੱਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਹ ਝੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ,
टूक मात्र बयान करके बचन ते वापस आ जाना। वह तो बड़ी लंबी चौड़ी पर सुनता है भी जंगल की सत्थ लगी है, जानवर बोलते हैं उत्थे सारे, जंगल की सत्थ लगी है तो सत्थ दे विच गल हुंदी है, आपस दे विच गल्लां कर रहे, इधर बांदर बोल रहा है, दूजे पासे रिछ बैठा वो बोल रहा है। वो कहिंदे भी हद हो गई भी जंगल का राजा शेर है तो इन्हां दा भी नहीं कदे देखिया, यह सुत्ता ही रहिंदा सारा दिन, तो है भी कुछ नहीं मतलब उस रूप दे विच, तो कमाल यह है भी ये राजा किवें हो गया, राजा तो कोई होर भी हो सकता। वो कहिंदे अच्छा गल ठीक है तेरी, कहिंदे हाँ, कहिंदे चलो फिर अंदाजा लाया उन्हें क्या भी जराफ जिहड़ा आ किड्डा उच्चा आ एड्डी लंबी धौण आ किसी नूं धौण ही बगा के दो वारी मारे तो उहदे नेड़े ना कोई आवे। जिराफ उहनूं पुछिया तो वह क्या भी जिराफ तू जंगल का राजा, वह कहिंदा वो परा भाओ तुसीं किहड़ियां गल्लां करदे पिओ, आप मैं मैनू पता आ आपा अपने बस की खेड़ नहीं है। उन्हें हाथी को पूछया गेंडे को पूछया बड़िया पूछया कहते कोई भी नहीं, वो कहते हाथों की कोई भी राजा बनने तैयार नहीं गा। खैर शेर को चले गए, शेर को क्या भी शेर अच्छा गल दसेगा सानू भी तू राजा आ ये किवें तेनू राजा किने बनाया। वो ना थोड़ी आकड़ जी भन के अपनी कहें खबरदार जो दोबारा गल पूछी थे, वो कहें वो क्यों कह लगा क्योंकि मैं मानना मैं राजा बस कम नहीं बड़ा आई बिलीव आई एम किंग हू केयर। जिहड़ी आ प्रतीति है ना ये एक्चुअल लैवल तेनूं कहिंदे सैल्फ कॉन्फिडेंस, पर एक किसे मताहत हुंदी है। जदों बंदे नूं रब ते गुरु ते विश्वास आ उन्हें जीवन दिता है मैनूं उन्हें बख्शिया मैनूं उन्हें साह चलाए ने वह नवाजेगा भगत ही है, भगत इस आस्था दे विच आ इस साह एवें नहीं चल रहे किसी परपज लई चल रहे। उसनू फिर वाकिया ची अपने कह लो कि अपने जहन का शेर है, अदरवाइज अं सारे कमजोरिया सामने ढेर हो जाने, भगत नहीं ढेर होता, भगत हमेशा चढ़ के रहा है। प्रहलाद नू केड़ी चीज जिहड़ी है वह सामने ल्यांदी जा रही है डर, वो डर खा जाता डर की परवाह ही नहीं करता। बाप पुछदा भी है तेनू मेरे तो डर नहीं लगता, वो कहिंदा ना जिसने मैनू जीवन दिता आ जिसने मैनू संभालिया आ वह तो बड़ा बेअंत आ। इत्थे साहब बयान करते गुरमुखां नू प्रतीत है जिन्हां दा मूँह गुरु वाले पासे आ उन्होंने इस गल का पूरी प्रतीति है, हर जीव मनमुख भरम भुलाया, पर जिहड़ा मन का मुरीद आ वह भटक गया, उन्होंने लगता भी ये गल एवें ही है किसी किसी मतलब की बात नहीं है। अगला बचन आया साहब बयान करते भगतां नू जमजो ना साकै काल ना नेड़ै जाए, जमजो ना साकै काल ना नेड़ै जाए। देखो जमदा आना लाजमी है, मौत आएगी, काल आ शरीर है काल के हुक्म बने तो काल इन खाएगा, पर जिहड़ा काल का असल असर है वह बंदे दे मन की दुनिया ते पैंदा है। बंदा काल वस हो के ऐसे ऐसे अमल करता जिहड़े नूं करने नहीं चाहिए, जिहदे च डर की गल आ रही है जो आप थोड़ी देर पहला की है, जिहदे च बहुत सारिया कमजोरिया विकार काल लैके आ। बाबा जी कहिंदे भगत तो जिन्हें काल नूं नेड़े भी नहीं ढुकण दिता, जीवन दे कोई हाल हालात होण, हुण सपोज करो कोई किसी नूं वरगला के कहिंदा तू ना झूठ बोल, वो कहिंदा हाँ बोल लांगा मैं, उन्हें की है ये काल दा असर असर आ रहा है। बंदा शरीर तौर ते मरेगा पर काल उहदी रूह भी मार देगा, ये काल रूह मारदा इस रूप विच। भगत उह है जिहड़ा काल दे वासे च नहीं आउंदा, जिहड़ा इस तों परे हो जांदा है। काल एक दिन इत्थों तक भी डराण लई आउंदा तेरा तन खा जावांगा मैं, अदरवाइज तू मेरे आखे लग, वो कहिंदा काल नूं भी तू तन खा जा खाणा है ते। बाबा कबीर जी कहिंदे मन ना डिगै तन काहे कुदराए, जदों मन डवांडोल ही नहीं हुंदा तू किवें डरा सकदा मैनूं। इत्थे साहिब ने कहा काल ना नेड़ै जाई केवल राम नाम मनवसिया नामे ही मुक्त पाई, क्योंकि वह सिर्फ नाम के मताहत ने ते नाम के जरिए उन्हां दी मुक्ति है। मुक्ति फिर बात करा अपने जीवन दे हर किस्म दे डर हर किस्म दी कमजोरी तो इत्थों ही मुक्ति चाहिए है, होर सैलवेशन बंदे नूं कोई नहीं, बंदे दी सैलवेशन इत्थों ही पूरी होएगी। जे सही रूप में कहा जाए आपां बाबा फरीद जी की गल कर रहे सीगे, एक रंग होर कह के फिर वाइंड अप कर दिंदा वा क्योंकि चीज़ा के फिलोसफिकल थोड़े भारियां लगदियां ने।
बाबा फरीद जी का सिरनामा सीगा शेख ब्रह्म शकरगंज। गंज कहिंदे पहाड़ या खजाने नूं, ते शकर मिठास, मतलब मिठास दी पहाड़ या खजाना। बाबा फरीद बहुत मिठा बोलते, सब नूं प्यार करते, सारयां नाल स्नेह रखते। अक्सर ऐसा होना बहुत सारे चेले शिष्य शागिर्द बन जाने, बड़े आके उन्होंने सिक्ख्या च आ जाना उस रूप दे च। ते बाबा फरीद जी ने कहना, ना भाई जे तुहाडी वाकई च रुचि नहीं हैगी किसी अध्यात्मकता स्पिरिचुअलिटी, फिर घरां नूं जाओ, कादे टाइम वेस्ट करते हो। वक्तन बा वक्तन, जो कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ सिंसियर बिजनेस, ये कोई ये तो है नहीं कोई इंटरटेनमेंट वाली बात आ। वक्तन बा वक्तन उन्हां दा इम्तिहान भी लैंदे। अज की होया, रस्ते तुरे जाते हुए अपने शागिरदां नूं कहिंदे, तुहाडी गिणती काफ़ी वध गई है, काफ़ी समय तो तुसी मेरे नाल हो, अज इम्तिहान लै लिए तुहाडा, पता लग जाए किहड़ा रखण योग है किहड़ा त्यागण योग है। जिन्हां ने तैयारी की हुए इम्तिहान आवे वो खुश होंदे ने, वधिया भाई पता लग जाएगा किन्ना क मैं कमाया है। जिन्हां नहीं वो डरते भी ने, कुछ बड़े डरे, फ्रीज बाबा फ्रीज जी की गल कर रहे हो, तो पढ़े भी कुछ नहीं तुसी इम्तिहान, वो कह लगे घबराने की लोड़ नहीं, एडा औखा इम्तिहान नहीं है, सौखा ही है। इम्तिहान की है, सामने एक ना किसान गां लैके तुरिया जाता। बाबा फरीद जी कहिंदे सवाल सिर्फ इन्ना ही है, ये जवाब दिओ गां किसान नाल बजी कि किसान गां नाल बजा। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है, किहड़ा किहदे नाल बजा, गां किसान नाल बजी किसान गां नाल बजा है। कुछ हस के एकदम बोले बाबा फरीद जी, किड्डी वड्डी गल करती तुसी, ये किड्डा कोड़ा इम्तिहान है। मैं दस दिना तुहानू, गां दे गल विच रस्सा है, किसान दे हाथ विच रस्सा है। जिधर नू किसान जांदा गां उधर नू जांदी, मर्जी किसान दी गां दी थोड़ा, इहदा मतलब गां किसान नाल बजी है। बहुत सिंपल, गां किसान दे नाल बजी है, किसान जिधर जाएगा गां उधर जाएगी। बाबा फरीद जी कहिंदे ठीक है। दो पल होए तस्वीर बदल गई, गां किसान दे हत्थों छुट गई, हुण गां खेतां विच भजदी सिद्धी, किसान पिछे भजदा। बाबा फरीद जी कहिंदे मंजर देखा माड़ा जिहा, हुण किसान दे गले च कोई रस्सा नहीं, गां दे हत्थ च कोई रस्सा नहीं, राह की बणिया। हाँ बाबा फरीद वाकई जी, असल च ना सानू किसी ने नहीं बनिया, ये अणदिसदियां फाहियां ने जिहड़ियां असीं पाईआं ने संसार विच, असीं भज रहे हैं, साढ़े मगर कोई नहीं भज रहा, असीं भज रहे हैं संसार दे मगर, इत्थों ही मुक्त होना है। वाशनावां त्रिशना ईरखा द्वैख, ये बंदे नूं दौड़ा रहा है। अगत वो है जिहड़ा इसे सारे नूं कंट्रोल कर लैंदा है। वो कहिंदा जिंदगी शो ऑफ करन वास्ते नहीं है, विखावियां वास्ते नहीं है, किसी नूं साड़न वास्ते, किसी तों सड़न वास्ते नहीं है। ये द्वैखां च जीण वाला जीवन नहीं है, इत्थों मुक्ति है, ये असल मोक्ष आ। कोई रस्सी नहीं पाई, कोई गलफाही नहीं पाई, फाही आ भी पा ली, किसी वल वेख्या एकदम अंदर बस पीड़ा चली गई, ओहो आ सुखी क्यों हो गया, हुण ऐसी हालत बन गई, पूरी जोर ला देना इहनू तुही करना, आही जीवन है, शरीकेबाजी यही है, इहदे च ही बंदा जी रहा। गुरु महाराज बयान करदे ओ परिपूर्ण, केवल राम नाम रसिया नामे ही मुक्त पाई। जिन्हां नूं नाम की समझ आ गई, उन्हें क्या जीवन च कंट्रीब्यूट करना है, बड़े सूहज नाल चंगी सोच धारण करके हर तरह के अमल करने, भगत नहीं संसार छड़ के भज जाते ना, विच ही रहिंदे, कम कार करते, पर कम करन दा ढंग इक्को ही है, बस नाम का सुख प्राप्त करना है, अपना हिस्सा बनने का कंट्रीब्यूट सही रूप में करना है, जो मालक नूं भावे। उत्थे फिर बात आ गई, नामे ही मुक्त पाई, रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाए, रिद्ध सिद्ध भगतां चरणी लागी। दुनिया की हर रिद्धि सिद्धि फिर आके पैरों से डिगदी, मत्था टेक देंदे, जिन्नी देर तक बंदा तड़पदा कुछ भी पूरा ना पैंदा, लगता आ भी घाटा, आ भी कमी, आ भी कमी, जिधर कितने इस पासों रज के तुरदा मालक तरस करने वाला, फिर भर देंदा झोली, ऐसी झोली भरदा बंदे नूं अहसास भी नहीं रहिंदा भी कमाल ही हो जाती। सब बयान कर दे, रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मनमुखा नूं प्रतीत ना आवे, फिर बात करते। जिहड़ा मन दा मुरीद उहनूं उहदी कोई प्रतीति नहीं, कोई समझ नहीं, उहनूं पता किहड़ियां गल्लां हो रहियां ने, एवें भी कदी हुंदा है। सरल कर दिंदा वा,
लोग कहेंगे अच्छा साढ़े मित्र ने बड़े प्यारे थे प्रेरी से चलेंदे ने। लोगों को एक डॉक्टरी नहीं होंगी, तीन डॉक्टरी दी डिग्रियां कीतियां उस शख्स ने, तो बड़ा हलीमी च निम्रता च रहने वाला बंदा। तो उहदा स्कॉलर प्रोफेसर उहदा गाइड वो कितने कोई गलबात होए तो वह कहे यू नो मतलब उहदा नाम लैके मिस्टर सिंह यू आर द ग्रेट अचीवर, वह कहिंदा नो आई एम नॉट द ग्रेट अचीवर आई एम ए परसीवर आई एम परसीविंग आई एम एक्चुअली गैटिंग सम सोर्ट ऑफ ग्रेस ऑफ वाहेगुरु जी ऑफ लॉर्ड। इस तरीके वो अखीर जो खिज गया खिज के कहिंदा 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 यू नो तेरे अपने ब्रेन की एबिलिटी है सारी है किड़िया चक्कर च पै कौन लॉर्ड तो कौन वाहगुरु कौन तेन दे रहा सारा कुछ। तो वह उसनों कहिंदा कहिंदा गल ये है कि तेनू सिर्फ इन्नी क समझ है मैंने उस तो थोड़ी जी ज़्यादा समझ उन्हें दे दी है, मैंने पता लग गया भी मैं ब्रेन ऑन नहीं करता ब्रेन उन्हें दिता मैं हैगी ब्रेन की एबिलिटी है नो डाउट तू सच कह रहा पर मैं थोड़ा बनाया ये बनाने वाले ने बनाया। एक्चुअल लैवल तो जो मन का मुरीद उन्होंने प्रतीति नहीं आती जो गुरमुख को प्रतीति आ जाती है सब यह है कि यह तान है साहब कहते जोड़ा मन का मुरीद मनमुखा प्रतीत ना आवे अंतर लोभ सुहाओ अंदर लोभ तो स्वार्थ ही पैन देना गुरमुख हिरदे शब्द ना भेज दौ हरनाम ना लागा पाओ जिन्हों गुरु वाल मूँह करना नहीं आया उन्होंने हिरदे शब्द कितने आके बह जाए शब्द भेजता नहीं उन्होंने आके कूड़ कपट पाज लै जा सी मनमुख फिका अलाओ तो फिर जोड़ा मन का मुरीद फिका अलाउंदा तो वह फिर एक दिन जोड़ा कूड़ का पाज उगड़ जाता मुराद उन्होंने भी एहसास ना कि नहीं जो करतार का हुक्म है होना उही है। बिल्कुल अंतले पदे की व्याख्या करके समापन करते हैं जिन हर मन वसिया से दर साचा सचियारा जिन्हां दे हिरदे विच मन दे विच रब दा पै वस गया वह सच्चे दर ते कबूल होने दे काबल हो गए उही सचियार होए असल विच उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मेटनहारा। जिथों बात शुरू हुई सीगी कि भगतां दी तुरतों रखदा आया वो जिहड़ा तुरतों रखदा आया जुग जुग सोभा होई वाली बात है नानक तिन कै सत बलिहार है जिन हर राख्या उरतारा हे नानक कह उन्हां तों मैं बलिहार जाना जिन्हां ने हरी नूं अपने उर विच रखिया मुराद उन्हां भगत जनां तों मैं भी अपना आपा कुरबान करदा। गुरु महाराज गुरु अमरदास साहब कहिंदे जिहड़े वाकिया च इस सच की प्रतीति विच चले गए साहब रहमत करन इन्हां आलमी अलाही अगमी वाकां दा एहसास साडी सुरत पकड़े इन्नी दिली अरदास आ इन्नी एक बेनतियां नाल खिमा भाई साहब समापन कराउणगे मैनूं इजाजत देनी कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का